फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वीके बे स्टडीज में। आज मैं आप लोगों को VMC कोड के बारे में बताऊंगा, जो M कोड होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह उनको इजीली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसको लास्ट तक जरूर देखिए। और जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे मैं टूल चेंज करना है सिंपली, तो मैं अगर टूल नंबर डाल दे दूँगा तो अगर स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो हमारा टूल चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखो टूल चेंज हमारा नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे M कोड का यूज करना पड़ेगा। तो मैं M06 और टूल नंबर डाल दूँगा, 11 नंबर टूल करना है तो चेंज करना है तो टूल नंबर डाल दूँगा और सेकंड स्टार्ट का बटन यहाँ से दबा दूँगा। तो देखो अब मेरा टूल चेंज है वो इजीली हो जाता है, बट उसके साथ साथ में जो मेरा बेड है, फिक्स्चर है, वो भी मेरा मूव करेगा। जो उसको होम पोजीशन होगी, इसकी एक्चुअल पोजीशन होगी, उसमें मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बटन दबाया तो देखो जो बेड है ये मूव करके आ गया है अपनी पोजीशन में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं इसको दोबारा से इसी पोजीशन चेंज कर देता हूँ एक्स और वाई में, बेड की, बेड और फिक्स्चर की, तो मैंने चेंज कर दी। अब मैं दोबारा से टूल को चेंज करके दिखाऊंगा और ये हमारा जो बेड है वो भी मूव नहीं करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक और M कोड का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, तो मैं दोबारा M मोड में गया और M50 अपने बेड को या फिक्स्चर को लॉक करने के लिए मैं M50 का यूज करता हूँ। तो M50 एंड ऑफ ब्लॉक M06T टूल नंबर 14 नंबर टूल डाल रहा हूँ मैं और इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, ये कोड आ गया देख सकते हो आप, वो सेकंड स्टार्ट का बटन दबाता हूँ। तो मेरा इस बार देखो टूल तो चेंज हो गया, बट मेरा जो फिक्स्चर है, जो बेड है, वो मूव नहीं किया क्योंकि मैंने M50 का कोड का यूज कर चुका था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट कोड है तो मुझे टूल निकालना है, तो ये ऊपर बटन दिया हुआ है ये एक्टिव नहीं है फिलहाल, तो इसके लिए मुझे एक्टिव करने के लिए टूल को क्लैंपिंग और डिक्लैंपिंग कराने के लिए मैं एक और कोड का यूज करूँगा, वो M10 इंसर्ट और सेकंड स्टार्ट का बटन दबा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं सो टूल चेंज जोग मोड में करते हैं, तो जोग मोड में करूँगा तो ये हमारा देखो बटन जो है आपको दिख रहा होगा एक्टिव हो गया। तो मैं इजीली टूल को पकड़ूंगा और उससे बटन को प्रेस करूँगा तो हमारा टूल निकल जाएगा। तो M10 जो है वो टूल को लैम्प को डिक्लैम्प कराने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट कोड M कोड है हमारा M07 का यूज हम कूलेंट को चल ऑन करने के लिए करते हैं। तो मैंने M07 एंड ऑफ ब्लॉक और साइकिल ऑन कर दिया, तो मैंने इसके लिए गेट लगा दिया। देखो अभी दोस्त देख रहा होगा कि हमारा कूलेंट जो है वो ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कोड है M09 का यूज हम कूलेंट को बंद करने के लिए करते हैं। M09 इंसर्ट और सेकंड स्टार्ट का बटन दबा दिया। तो M09 यूज करते हैं तो जो कूलेंट हमारा चला हुआ है वो बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कोड है हमारा M08। M08 का यूज भी हम सेम M07 की तरह कूलेंट के लिए यूज करते हैं, बट इसमें जो है ना जो टूल के अंदर से इंटरनल कूलेंट आता है उसके लिए यूज होता है, ये इंटरनल कूलेंट भी इसमें चलता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्ड है M03। स्पेंडल को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने का काम आता है। तो M03 और स्पेंडल की स्पीड मैंने डाल दी है, तो मैं सेकंड स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो मेरा देखो स्पेंडल जो है रोटेट कर रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट M कोड आता है मेरा M05 इंसर्ट एंड, तो मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ तो मेरा M05 से जो स्पिंडल जो मूव करता है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि अपनी वो रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कोड है मेरा M04 स्पिंडल, ऐसे स्पिंडल का ही होता है, वो स्पीड डाल दी, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट और सेकंड स्टार्ट का मैं बटन दबाता हूँ तो ये
जो मेरा स्पेंडल है वो पहले क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, इस बार एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेरा स्पेंडल जो रोटेट करने लगा। ठीक है, तूने सेट कर देता हूँ, नेक्स्ट कोड है। अब दोबारा नेक्स्ट कोड में ये मेरा स्पिंडल जो है अभी रोटेट कर रहा है, चारों तरफ हाथ से उसको घुमा सकते हैं। तो उसको मुझे स्पिंडल को अगर लॉक करना है, मैं चाहता हूँ कि स्पिंडल लॉक ना हो, तो उसके लिए हम M19 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट सर्कल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा। तो मेरे जो स्पिंडल था वो रोटेट कर रहा था, इस बार लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अब जो है लॉक हो गया, इधर उधर मूव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कोड मेरा एम कोड आता है। M20 जो मैंने स्पिंडल लॉक कराया था, अगर उसको रिलीज करना है तो M20 का यूज करेंगे, M20 एंड डबल लॉक इंसर्ट। तो देखो दोबारा से मेरा स्पेंडल जो है मूव करने लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब एम कोड यूज होते हैं मशीन में। तो नेक्स्ट एम कोड दोस्तों हमारा जाता है, हम पार्ट काउंट देखते हैं, अपना चेक करते हैं। तो पार्ट काउंट अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हम M72 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट सेकंड स्टार्ट का बटन दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पार्ट काउंट है वो अब इंक्रीज हो जाएगा, पहले यहाँ पे 86 था तो अब 87 हो चुका है। तो भी एक हम कोड यूज करते हैं, नेक्स्ट एम कोड हमारा है M72 थ्री पार्ट काउंट मैंने बढ़ाने हैं, तो तीन बार M72 डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी 87 है तो मैं सेकंड स्टार्ट का बटन दबाता हूँ यहाँ पे, तो ये 90 हो जाएगा। ये देखो दोस्तों 90 हो चुका है।